बच्चों आइए आज हम कक्षा 3 का हिंदी व्याकरण में पाठ 2 का आगे पढ़ते हैं। कल के वीडियो में आपने हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण और वर्णों के भेद जाना था। अब आइए उससे हम आगे का पाठ पढ़ते हैं और आपको हम समझाते हैं। कल जैसे आपने पढ़ा था तो आज वर्णों के भेद होते हैं 2, स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण क्या है? जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। ये जो वर्ण है अपने आप बोले जाते हैं बिना किसी सहायता के। ये है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ए, ओ और अ। फिर उसके बाद है व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। ये जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे समझिए इसको, जैसे जब हम क बोलते हैं ख, ग, घ, अंग, तो अपने आप स्वर वर्ण इसके साथ व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ जाते हैं। च, च बोलेंगे तो अ अपने आप आ जाएगा। च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, लभ, स, ऋधन, स, दन, स, ह। अब किसी व्यंजन वर्ण को बोलकर देखिए। इन्हें बोलने के लिए स्वर वर्ण अ की उच्चारण की सहायता लेनी पड़ती है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इनको बोलने में आपको अ की सहायता लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप समझिए, जब अ के बिना किसी व्यंजन को लिखना हो तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। जैसे क के नीचे लिखा हुआ है, ये रेखा लगाई हुई है ख, च, ट, त, य, स। यह तिरछी रेखा को हम हल चिन्ह कहते हैं। इसे जो भी शब्द है वो आधा हो जाता है। मतलब कि ये क है तो इसको ये हम समझेंगे कि ये आधा है। अब आगे जाने र और ढ वर्ण देखिए। ये एक कविता है जिसे मैं पढ़ती हूँ। एक बाग में था आम का पेड़, उस पर लटके थे ढेर सारे आम। एक डाल से सीढ़ी लगाकर नंदू ने तोड़े मीठे मीठे आम। अब जो भी यहाँ इसमें रंगीन शब्द है वो देखिए, उच्चारण करके देखिएगा तो आपको ड और ढ और ढ और ढ के उच्चारण उच्चारण में अंतर समझ में आ जाएगा। मतलब कि जो एक बिंदु जो लग जाता है साथ में उसके उच्चारण में अंतर आ जाता है। ध्यान दीजिए कि रंगीन शब्द जो ड और ड से मिलता जुलता है और ढ का रूप ढ से मिलता जुलता है। ड और ढ भी हिंदी के व्यंजन माने गए लेकिन इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। अब आज के लिए इतना ही। अगला पाठ मैं आगे का पाठ अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।